इसलिए तो आज साथ लेकर आ जाता, आ जाएगा रो नहीं, रोने से ऐसे आप भी ड्रामे में शुरू हो गए हो। तो हाथ जोड़ के विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है सब बहनों से भाइयों से, रो नहीं ऐसे नहीं रोते, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। छोटी हो गई, आपने कहा था मैं आपको मिलने जा रही हूँ, आप मिलने आई हो फिर रोने लग गई हो, रो नहीं इंशाल्लाह। बस ये अमानत है, ये अमानत पकड़ लें तो बाकी वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये लें, ये मेरे सर पे अमानत है, अगर मैं अपने पास रखता हूँ तो मेरी कब्र काली होगी। ये आप रख लें ना, हम लेट हो जाती थी तो वो बना लेती थी खाना, तो आज जो है ना अबू जान की क्रास है, तबीयत खराब है थोड़ी, रात भी अचानक से। देखो कैसे भाग के जा रही है आगे आगे, हाँ वही तो कह रही थी ना, ये देखो कि अबू को क्या परेशानी है, अबू जान क्यों ऐसे चुप चुप बैठे होते हैं। तो ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, मतलब कि बात शायद करते रहो। कल का जो वीडियो है, कल इसके साथ मेरा चैलेंज होने वाला है, चैलेंज जो है आप साहब ने ज़रूर देखना है। और ये मैं अपना चैलेंज ना एक्सेप्ट कर लिया है मैंने चैलेंज को, तो इसको मैं करके दिखाऊंगा, इसको पता चलेगा कि मर्द किसी से कम नहीं, मर्द हर काम कर लेते हैं। डॉक्टर के घर, वो डॉक्टर के घर वो कहती है आपकी भाभी नहीं लेके जाना भाई, ये आप मेरी एक बहन है, सिस्टर है, उसके लिए ज़रूर दुआ करनी है, जिन्होंने हमें गाड़ी लेके दी थी, तो उनके आंखों का ऑपरेशन हो रहा है या हो गया है तकरीबन, मेरे ख्याल तो हो गया है, तो उनके लिए दुआ करनी है। को जो है ना रगड़े लगा रही है, जैसे अभी तोड़ने वाली है, गंजी होने वाली है थोड़ी देर तक, ऐसे टेंट निकल आएगा इसका। चलो खैर कोई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, मैं भी फटफट। तो जी दोस्तों, हमारा शाम वाला व्लॉग हो गया स्टार्ट, आपने रहना साथ, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो फुल वॉच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें बिल्कुल फूलों की तरह। तो आज की जो ना वीडियो है ना, कि एक तो दूसरा दिन है एक ही कपड़े पहने हुए हैं मैंने, अब तो मेरे कपड़े भी मुझे कहते हैं कि बॉस उतारते हमें, जान छोड़ हमारी, तो आज इनको उतारने वाला हूँ, ये उतारता हूँ और कपड़े पहनता हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े जो है ना धोए हुए थे, धुलाई हो गए थे, इस्त्री नहीं हुए थे, वो इस्त्री करवा के आया हूँ, अभी जो है पहनता हूँ और नहा धो के। आज की जो वीडियो है वो है कि आज जा रहे हैं हम सिस्टर के घर, समीना सिस्टर के घर, और अमीना जो है ना वो भी देखते हैं कि वो क्या करती है, उसका भी रोला जाग रहा है, वो भी अगर बन गया हिसाब तो उसको भी लेके चलेंगे, तो उधर चलते हैं उनके यहाँ। चलो हम कोशिश तो ये तो है कि कोशिश जारी है कुछ, जैसे मतलब उसके बेटे की के छानबीन जारी है, बाकी उसको जाते हैं, कुछ हौसला हो जाएगा, कुछ हाल हवाल ले लेंगे, कुछ अपना सुनाएंगे, कुछ उसका सुनेंगे, तो इंशाल्लाह उधर चलते हैं और वहाँ की जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। सलमा ने नहा लिया है और अपने बालों को जो है ना रगड़े लगा रही है, जैसे अभी तोड़ने वाली है, गंजी होने वाली है थोड़ी देर तक, ऐसे टेंट निकल आएगा इसका। चलो खैर कोई बात नहीं, गंजी हो चाहे काली हो चाहे गोरी हो, है तो मेरी वाइफ और मेरी सोनी वाइफ है, सबसे प्यारी वाइफ है, हंस रही है बैठ के उधर से। चलो जी मैं नहाता हूँ, नहा धो के फ्रेश होके फिर मिलते हैं। ओके वेलकम बैक। तो जी दोस्तों मैं हो गया फ्रेश और मैडम साहबा जो है ना अभी तक नहीं फ्रेश हुई, एक ही लेडीज़ का यही होता है कि इनको तैयारी का बोल दो एक मरतबा के भी तैयारी करनी है, तो इनकी तैयारी इतनी लेट होती है कि अगले बंदे को वो इंतज़ार में खड़ा खो खो के द्रब जा जाते हैं, मतलब दरख्त बंदा जैसे दरख्त नहीं होते उसके ऊपर टहनियाँ आ जाती हैं, वही हाल हो जाता है, लेकिन इनका इंतज़ार जो है ना ख़त्म नहीं होता, तो आज वही हाल हुआ, मुझसे पहले ये रेडी हो रही थी अभी तक नहीं हुई, और ये देखो अभी भी शीशे के अंदर अपने आप को देखे जा रही है, अभी ये तैयारी आपकी मुकम्मल नहीं हुई, आपसे पहले मैंने तैयारी कर ली, यही का मसला होता है आप लोगों का लेडीज का। अच्छा हाँ, जब भी स्लो, बहुत स्लो हर काम में, इतनी बंदा होता है तैयारी करने के लिए चौकी देर लगती है, कितनी देर लगती है, औरतों के बहुत काम होते हैं, आपके कौन से काम होते हैं, औरतों के बहुत काम होते हैं, तैयारी के बहुत बड़े काम होते हैं, तैयारी कौन सी, मैं मेकअप लगा रही हूँ, बाकी भी घर के काम देखने होते हैं, संभालने होते हैं, ऐसे इतने काम नहीं होते जितना आप बोलते हो। अच्छा, इतने काम, चलो ठीक है फिर कर लो काम।
जो आपके काम है मैं करूंगी। एक दिन ना आप मेरे सारे काम जो मैं घर के करती हूँ वो करके दिखाओ। मेरे काम तो आप कर नहीं सकोगी। हाँ। लेडीज लेडीज होती है, मर्द मर्द होता है। क्यों आजकल सारी गाड़ी वगैरह या बाहर के काम आपसे नहीं होंगे। बाकी आप ये कहती हो कि मैं घर के काम ये है वो है, ठीक है चैलेंज हो गया आपके साथ, मेरा चैलेंज हो गया। कल के जो घर के काम है कल मैं करके दिखाऊंगा, पता चल जाएगा फिर। ठीक है तो आज फिर चैलेंज हो गया इसका और मेरा। ये घर के जो काम ये बोलती है कि हाँ जी घर के काम इतने होते हैं, जो मतलब हर किसी को अपना पता होता है काम का, तो हम मुझे पता है ना काम का। कल से इसका मेरा और चैलेंज होगा। आज की वीडियो ये तो है, जा रहे हैं हम उधर मुखलिस के घर और उसके थोड़े सी आई हुई है हेल्प भी आई हुई है, वो भी देनी है, तो उधर से होके आते हैं। तो कल का जो वीडियो है कल इसके साथ फिर मेरा चैलेंज होने वाला है। चैलेंज जो है आप सब ने ज़रूर देखना है। और ये मैं अपना चैलेंज ना एक्सेप्ट कर लिया है मैंने चैलेंज को, तो इसको मैं करके दिखाऊंगा। इसको पता चलेगा कि मर्द किसी से कम नहीं, मर्द हर काम कर लेते हैं। जी हाँ वो बाहर के काम के होते हैं, घर के भी करके दिखाऊंगा। आप सब गवाह हैं। और कल जो है ना इसके साथ यही चैलेंज है, घर के काम भी करूंगा, सारा काम करूंगा। आपने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ कैमरा पकड़ना है। हाँ देख लेना फिर कैसे होता है, सारा काम होता है। तो आप सब ने ना कल का हमारा चैलेंज जो है ना डन हो गया है। तो अभी जो है ना सलाम दुआ पहले कर लो, वो शोर नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हम भी माशाल्लाह ठीक है और हमारे घर में भी सब ठीक है। तो माशाल्लाह से हम जा रहे हैं बस्ती, उधर जाके जो 15 होगी आप लोगों को शेयर करेंगे। जो न्यू है हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट करें। हाँ जी हाँ। और मेरी अम्मी जान को देखें, तेरी अम्मी बनी हुई है। मेरी अम्मी तेरी अम्मी, बस अम्मी अम्मियाँ होती है। मैं ऐसे जल्दी से देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ आपकी अम्मी है। आपकी अम्मी है। वो भी हुक्के वाली है, भी हुक्के वाली। कपड़ों को देख के ना तो मैं मेरी अम्मी के कपड़े पहने हुए, अचानक से वैसे बंदा चौंक जाता है कि वही फिर आई आई कटी कपड़े पहनते हैं। नहीं नहीं मतलब वो ऐसे है ना कि एक साइड पे आप मुंह करके बैठी हो ना तो अचानक से बंदा चौंक जाता है कि ये मेरी अम्मी आई हुई है, भूल जाता है। हाँ भूल जाता है। चलो जी रेडी हो चुकी है, फिर अम्मी का क्या होगा, हम इधर बैठी हैं। अम्मी बैठी, अम्मी को मैंने बोला है आज इधर रहो। अच्छा हाँ, तो मैंने अम्मी कहती है आप तो उधर जा रहे हो, मैंने बोला बस हम यहाँ जाते हैं। अयान मैंने एक मतलब आपको बोला है शोर नहीं किया करो, चुप करके बैठो। तो मैंने बोला हम बस जाते हैं उधर से, जो काम है वो करके जल्दी से वापस आते हैं क्योंकि खाना वाना भी बनाना है। चलो ये भी ठीक है। वो अम्मी होती थी तो हम कुछ देर जो है ना उधर रुक जाते थे, आज तो हम जाएंगे फिर वापस आएंगे जल्दी से। चैलेंज भी लगा हुआ है और हाँ, वो तो पता चल जाएगा। मामी इसके साथ चैलेंज लग गया है मेरा, ये कहती है कि काम नहीं कर सकते। आज सुबह मेरी अम्मी ने कैमरा उठाया हुआ था मेरा, मुझे पता है। मैं सफाई कर रही थी अम्मी ने, मैंने ऋषभा को दिया। नहीं कैमरे की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कामों की। काम मैं करके दिखाऊंगा, चाहे कौन सा कोई काम नहीं है ऐसा जो ना कर सकूं मैं। चलो ठीक है, काम कर जाऊंगा वो कैमरा उठा जाएगा। चलो इसका चैलेंज है ना, अच्छा चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। चैलेंज अगर मैं पूरा कर लेता हूँ तो क्या मिलेगा, फिर मान जाओगी ना कि हाँ मर्द मर्द होते हैं। हाँ ठीक है मान जाऊंगी। और कुछ लेने वाली बात ना करना, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। दुआ तो है। हाँ दुआ है मेरे लिए, वही बेहतर बहुत है, सिर्फ दुआ ही काफी है। चीजों का क्या है, सारे घर के काम करना। चलो मैं नहीं घर के काम नहीं, जैसे नमाज पढ़ती हूँ ना, हर नमाज में मेरे लिए स्पेशल एक दुआ करनी है। नहीं वैसे नहीं करती। वो करती हो लेकिन आप यानी चैलेंज के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। इसमें जो है ना मियां बीवी का जो रिश्ता होता है ना, इसमें ना मैं बोल सकती हूँ हाँ मेरे लिए अकेले लिए दुआ करो ना, आपका मतलब आप अकेले नहीं, तो मेरा बस मेरे लिए दुआ करनी है ये देख लो। चलो ठीक है कर लूंगी दुआ, वैसे भी करती हूँ मजीद ज्यादा बहुत सारी करूंगी। और दुआ से याद आया, आप सामने मेरी एक बहन है सिस्टर है, उसके लिए जरूर दुआ करनी है, जिन्होंने हमें गाड़ी लेके दी थी। तो उनके आंखों का ऑपरेशन हो रहा है या हो गया है तकरीबन, मेरे ख्याल तो हो गया है। तो उनके लिए दुआ करनी है कि उनकी पट्टी खुलनी है, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और उनकी ये जो आंखों वाला मसला है ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और फिर से वो हमारी वीडियो देखना शुरू कर दे। ऐसे हाँ आप सब ने ज़रूर प्लीज़ प्लीज़ उस सिस्टर के लिए ज़रूर दुआ करनी है कि उसकी आंखों का जो भी मतलब मसला है वो हल हो जाए, वो ठीक हो जाए आंखें उनकी, और अल्लाह पाक उनके घर में रिज्क में माल में बरकतें अता फरमाए, उनके बच्चों की खैर फरमाए और उनकी पूरी फैमिली की खैर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी दोस्तों अभी जो है ना चलते हैं। ओके
चलो जी, आप मामी इधर बैठी है, मामी इधर है, और मेरी अमीना जो है ना ये आ गई है, मेरी सरदार। हाँ अमीना सरदार, वो डॉक्टर के जाना है। अच्छा, अमीना के दोस्तों। हाँ डॉक्टर ऑपरेशन किया। हाँ है, ठीक हो गया। चल सरदार, अमीना को नहीं साथ लेके जाना, नहीं खाना नहीं खाया आपने, अब्बू को खाना देना है। मैं नहीं दे सकता। अब क्या होगा अमीना? मैं अम्मी तो उधर है ना, यहाँ तो आप कहती हो डॉक्टर के घर, वो डॉक्टर के घर, वो कहती है आपकी भाभी नहीं लेके जाना। भाई ये कूल मत है, आप उसको से कूल, वो कहती है मैं इसको नहीं जान। हाँ अबू का ख्याल रखना ना, आप अबू का ख्याल रखना ना। हाँ अबू का ख्याल रखना, आवाज़ बंद करना, आवाज़ बंद करना अबू, आवाज़ बंद करना, आवाज़ बंद कर दें। हाँ ठीक है, आप अबू का ख्याल रखना ना। मैं कर गई, बनो बस सारे। हाँ आप इधर रह जाओ मेरे सोने शहजादे। अच्छा और अबू जान अस्सलाम वालेकुम। हाँ मेरे सरदार, मेरे सोने शहजादे, सुनाओ तबीयत आप कुछ बेहतर है? आप कुछ बेहतर है, चलो शुक्र है, ये भी अच्छी बात है। और आपका अबू जान जो है ना इधर देखते रहते हैं इसकी फनी टीवी को, ताकि इनका जो है ना चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, ऐसे ना हंसी आ जाती है, खेलास हो जाती है। अच्छा हम जा रहे हैं मुखलिस के घर, ठीक है, उसकी एक अमानत आई हुई है वो देने। हाँ वो अमानत दे के ना हम फिर वापस जल्दी जल्दी से वापस आ जाएंगे। सही हो गया। हाँ आप जो है ना इंजॉय करो, और आपकी दवाई जो है ना इंशाल्लाह फिर कल लेने चलेंगे, कल एतवार है ना, डॉक्टर कल आएगा, संडे को संडे आता है। और कोई काम हो तो हुक्म करें। कोई काम है, रोटी खा दी गई, रोटी खा दी है, खा नहीं खा दी, रोटी खानी है ले आए, नहीं रोटी तो है, रोटी पकाई आपसे पूछा, आपने कहा मैंने अभी नहीं खानी। नहीं अभी तो देखने ना असर हो गई है, तो फिर खाना आप खा लें। ठीक है, हाँ ऐसे फिर ताकत नहीं आएगी ना, खाने से ताकत आती है। हाँ मैं कहता हूँ उसको पहले खाना दे, उसके बाद फिर हम जाएंगे। और यहाँ पर बच्चे जो है ना ये खा रहे हैं पापड़ मिलजुल कर, और अबू जान यहाँ पे फनी टीवी देख रहे हैं, फनी माहौल देख रहे हैं, ये भी अच्छी बात है अबू के लिए, क्योंकि अबू जान जो है ना ऐसे सोच, वो आप सब पूछते हो ना कि अबू को क्या परेशानी है, अबू जान क्यों ऐसे चुप चुप बैठे होते हैं, तो ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, मतलब कि बातचीत करते रहो, गपशप करते रहो तो हाँ हूँ जवाब देते हैं, पहले जैसे गपशप करते थे वो नहीं करते, ये बीमारी की वजह से ना बंदा अपसेट हो जाता है। तो पहले फालिज का अटैक हुआ था, फिर दो मरतबा दिल के अटैक हुए, फिर दवाइयाँ परेशानियाँ, फिर घर के मतलब बाहर के झगड़े फसाद, ये चीज़ें सुन सुन के ना अबू फिर साइलेंट ही हो गए। तो अब जो है ना अबू चुप ही रहते हैं, कभी कभी बोलते हैं वो भी, मतलब के कभी गुस्सा कर रहे होते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं बच्चों के साथ ऐसे। तो ये टीवी का जो है ना, मैं इसलिए उनको टीवी पे नहीं रोकता क्योंकि उनका एक टाइम पास बना हुआ है। मैं कई बार मैंने नोट किया है, मैं ना इधर से दूसरी साइड से जाके अबू को देखता हूँ, मतलब वो खिड़की वाली साइड से, तो अबू ये फ़नी टीवी देखते, फ़नी वीडियो हैं, फ़नी वीडियो देख रहे होते हैं, तो उसको देख के हंस रहे होते हैं। तो कहते हैं कि बंदा जब ज़्यादा हंसे कोई भी, तो टेंशन होना ज़्यादा हंसना शुरू कर दो, वो टेंशन और बीपी वगैरह दिल वगैरह ये चीज़ें सब सेट रहती हैं, तो इसलिए अभी जान उधर वो लगे रहते हैं। तो मैं नहीं रोकता कि उनका टाइम पास भी बना हुआ है और हंसते भी रहें, चलो मुस्कराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। बाकी मेरी अमीना जो है ना वो सिर्फ रोती रहती है, वो देखो। हाँ अमीना सरदार, ओ मेरे सोने मेरे शहजादे, रोते नहीं है ना आप, तो मेरी सरदार हो, मेरी सोनी हो, मेरी शहजादी हो, मेरी प्यारी सी बहन हो, ऐसे थोड़ी होता है। आओ चले हम चलते हैं, ये क्या बात हुई, वो तो हम इसको नहीं लेके चलेंगे। चलो उठो, शाबाश, मुंह धो, चलते हैं, शाबाश, उठो 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 उठो, अभी मिलने चलते हैं, उठो चलो, आपके लिए तो जान हाजिर है मेरे सोने। ये क्या बात हुई, मिलने वाली, हम मोटरसाइकिल पे जाना है, पैदल जाना है, अम्मी के लिए याद आई है, चलो अम्मी भी आ जाएगी, चलो आप मुंह धो, चलो शाबाश, हम चले फिर मुखलिस के घर, उसका हाल हवाल लेकर आए, चलो शाबाश, उठो चलो मेरे सोने शहजादे। हाँ चलो जल्दी जल्दी मुंह धो के अभी आओ, आपकी भाभी जाने मैं जानू, चलो आप चलो उधर, चलो मुंह हाथ धो के, जूती पहनो, मुंह हाथ धो, जल्दी जल्दी आ जाओ, तैयार होके चलते हैं, फिर देर हो जाएगी। चलो जी, इसके साथ मजाक किया तो ये रोने लग गई, आपकी मजाक जो है ना महंगी पड़ गई, उसके साथ मजाक महंगी पड़ गई, रोने लग गई।
पता ही है जो आपको ऐसी मजाक नहीं बर्दाश्त करते। वो समझ रही है शायद, उधर हम भी मेरी बैठी है। हाँ, वो कोई बात नहीं, चलो जल्दी करो मुंह हाथ धो। शाबाश मेरे सोने, जल्दी करो मुंह हाथ धो के चलें फिर मुखलिस के घर, उसका हाल हवाल लेने चलें। चलो मुंह हाथ धो लो जल्दी जल्दी। चलो जी अभी जो है ना इनको रेडी कर लें फिर चलते हैं। तैयारी फाइनल हो चुकी है और अभी जो है ना निकल रहे हैं। अमीना भी तैयार होकर आ गई है और बच्चियाँ और बेगम साहबा और मैं, तो अभी जो है ना निकलते हैं फिर। सही हो गया, चलें चलें चलें। हाँ इधर ख़राब है रास्ता, इधर चल से चलते हैं। हाँ चलो जी इनको बिठा लें फिर चलते हैं आगे। ये देखें जी माशाल्लाह लाइनों पे पहुंच गए हैं। अच्छा आप आगे जा रही हो? मैं भी जा रही हूँ। आप भी जा रही हो और अमीना देखो वो पहुंच गई है। मैं पहुंच जाऊंगी आराम से। आराम से जा रही हूँ। तो माशाल्लाह जी अभी जो है ना अल्ताफ खान उधर से मोटरसाइकिल लेके आ रहा है और हम जो है ना अभी लाइने क्रॉस कर रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं। क्रॉस कर लिया, वो देखो वो तुम्हारा बाबा आ गया, वो देखो वो देखो। और अमीना देखो कैसे भाग के जा रही है आगे आगे। देखो सारा सब्वे सब्वे हो गया। हाँ वही तो कह रही थी ना, ये देखो पत्थरों पे भी वो हो गया है, सब्जा सब्जा हो गया। पत्थर में भी कीड़े को पहुँचाने वाली वो जात है। हाँ जी ये देखें जी घास हो गया है, पत्थरों पे भी घास हो गया है। चलो 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 आगे। अमीना देखो वो खड़ी है, वो जा रही है। वो देखो तुम्हारा बाबा भी आ गया है। उधर कहाँ जा रही हो? चलें जी अभी उधर बैठते हैं और फिर चलते हैं आगे। मैं इनको जो है ना आगे कर लूँ थोड़ा सा, चुन्नी मुन्नी को बाइक पे बैठना है। इधर आओ पहले छोटी, पहले छोटी फिर बड़ी। चलें बैठो अमीना। बंद कर दो, गाना चला हुआ है। माशाल्लाह जी ये देखें अभी हम पहुंच चुके हैं मुखलिस भाई के घर के साथ ही, और अमीना भी उतर गई बैग से और ये चुन्नी मुन्नी भी उतर गई। हाँ किसके घर आ गई हो? क्या देखना? देखना ये क्या है? हाँ देखना ये क्या है। चलो अंदर चलें। तो ये दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं और अमीना की जो है ना वेशाब पूरी होने वाली है। ऐसे अमीना रोए जा रही थी, समीना के जाना है, डॉक्टर के घर जाना है। चलो पहुंच गई हो आप? हाँ जी, उनको कपड़े जो घेन लेना है। हाँ ड्रा करा है। हाँ दांत पे ऑपरेशन हुआ है। अल्लाह से खैर खुशी ना सारे घर आ जावे। हाँ समीना भी आ जावे। चलो फिर अभी चलो फिर मिलो उससे और हाल हवाल लो। ऐसे फिर आप बोलती थी कि मुझे उसके घर जाना है। चलो आप पहुँच गई हो आप। चलो जी अमीना पहुंच गई है। इसकी जो जिद थी लड़ी हुई थी कि मैंने जाना है बहन के घर जाना है, मुझे याद आई है। कोई भी नहीं है इधर मेरे ख्याल, खाली हुआ पड़ा है घर भी। चलो आ जाओ, सलमान खान है ही कोई नहीं, आ जाओ अंदर होंगे मेरे ख्याल, बाहर बाहर नहीं है। और अमीना को देखो भागी चली जा रही है, वो सामने जा रही है। अमीना जल्दी जल्दी से मिलने जाएगी, अभी सोए हुए हैं। अच्छा चलो चलते हैं फिर देखते हैं उधर। आ जाओ चलो, वो इधर मेहमान और भी खड़े हैं। हाँ और भी हैं मामों के घर वाले, और यहाँ पर जो है ना ये तो सोए हुए हैं। अमीना को देखो जाके बैठ गई, और देखें हाँ नींद में है और अमीना ऊपर जाकर बैठ गई है। चलो जी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? तबीयत ठीक है? चलो जी एक तो सोया हुआ है बंदा। हाँ बैठो और वो उठ जाएगी अमीना। हाँ
अमीना स्पेशल मिलने आई है आप लोगों से, आपका रोना देख कर ना ये नहीं बर्दाश्त कर सकी और बार बार जो है ना कहने लग गई कि मुझे सिस्टर के घर जाना है। अरे ये क्या रोने क्यों लग गई? रोए नहीं, रोए नहीं, रो नहीं, रो नहीं, ऐसे नहीं रोते, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। रो नहीं ना, रोने से क्या होगा, ना उम्मीद ही गुनाह है, रो नहीं, अल्लाह पाक ज़रूर है इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा ही, हाँ अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हाँ रोने से क्या होगा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक बेहतर करे जो भी हो अच्छे के लिए हो। अमीना आप क्यों रो रही हो? अस्सलामुअलैकुम। रोना नहीं है, रो रो नहीं, रो नहीं, मैं इधर खुश करने के लिए, यहाँ आप रोने लग गई इसलिए तो आज आ जाता, आ जाएगा, आ जाएगा, रो नहीं, रोने से ऐसे हम पता कर रहे हैं इंशाल्लाह मिल जाएगा। पुलिस में भी बोला है मैंने, साहब को चौक पे पूरे इलाके में मैंने यही बोला है, इंशाल्लाह मिल जाएगा, रो नहीं, परेशान नहीं हो, चुप हो जाओ, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बड़ा सारा है, इतना छोटा नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, बस रो रो कर ऐसे अपना हाल बुरा कर रही हो। अमीना बाजी को बोलो चुप हो जाए, रोए नहीं, बड़ा है हाँ, रो नहीं, ना बड़ा सा है छोटा थोड़ी है। अमीना बोलो, आप ही को बोलो रो नहीं, हाँ आप इसको बोलो रो नहीं, आप खुद रोने लग गई, आपने कहा था मैं आप ही को मिलने जा रही हूँ, आप मिलने आई हो फिर रोने लग गई हो, रो नहीं, चुप हो जाओ, आप भी चुप हो जाओ, रोते नहीं हैं, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर पंखे पे बैठ जाओ, रो नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कोई पता चला है कि कोई बात या किसी से कोई हुआ हो रब्ता वगैरह, या अभी पता कर रहे हो? अच्छा फैज़ाबाद, अच्छा हाँ शाम हो गई, शाम के बाद बात पहुँचा उधर, सही सही, तो वहाँ पे भी नहीं है, अच्छा उधर भी नहीं है, बहुत उम्मीद करे गए थे वहाँ पे स्टे होगा, अच्छा उधर भी नहीं था, आज एक और जगह जाना है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह मिल जाएगा। क्या लगवा रहे हैं? मीटर, अच्छा मीटर, अच्छा उनका मीटर लग, वो लगवा रहे हैं जैसे ईजी होंगे, सही, चलो अल्लाह खैर करेगा, आप परेशान नहीं हो, रोने से क्या, ऐसे आप ना उम्मीदी कर रही हो, रो रो कर अपना हाल भी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह मिल जाएगा, जहां भी होगा अल्लाह खैर करेगा। इतना छोटा बच्चा नहीं है जिसका ज़्यादा डर हो, माशाल्लाह जवान है, बड़ा है, और जहां भी होगा अल्लाह, इतने दिन गुजर गए हैं बस वो ढूंढ रहे हैं। हाँ ज़िशान का जैसे देखा था कैसे, हमें पता ही नहीं था कहाँ चला गया, अभी हम खुद परेशान हो गए थे, लेकिन वो मिल गया था, पता था कि कहाँ गए, वो भी उससे उस वक्त वो छोटा था, ये तो माशाल्लाह जवान है, बड़ा है, ये मिल जाएगा, जहाँ भी होगा अल्लाह खैर करेगा, खैर खैरियत से ही होगा। बाकी हाँ फ़र्क है, लेकिन इतना उस है तो सही, उसको सोच समझ के भी कहाँ जानी है कहाँ जाना है, गुस्सा करके गया है, गुस्सा भी तो आपकी वजह से करके गया है ना, हाँ पता ही है आपको, उसका भी नया उसको छेड़ा करो, जो अगर ऐसा मसला था मोबाइल का तो मुझे बता देते, मैं कहीं ना कहीं से करवा ही देता, उसका मोबाइल सेट करवा देता। चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा मिल जाएगा जहाँ भी होगा। इस पूरे एरिया में, पूरे खानपुर, पूरे जेठा बुट्टा, फिरोज़ा, इधर सबको बोला है,
न्यूज़ वालों को भी बोला है और पुलिस वालों को भी दरख्वास्त दे आया हूँ, कल मैं गया था दे आया हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो जी दोस्तों अभी आ गए हैं इधर, उनके साथ हाल वाल लेते हैं और जैसा कि आप लोगों ने देखा जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह पाक खैर करे और बाकी जो है ना इंशाल्लाह टीम आप लोगों से शेयर करेंगे और जो अमानत है वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं फिर कुछ। पंखा चल गया ऑटोमेटिक, बाहर आए थे कि बिजली नहीं थी, बाहर हवा पे आए थे और मैंने अभी बंद कर दिया क्योंकि वीडियो बनानी है तो फिर शोर आएगा। तो ये अभी मेहमान और भी आए थे हम साये पूछने वाले, हाँ अकरम भाई और उसकी वाइफ आए थे, वो भी ये पूछने, हाँ रखो इसको रखो, तो वो आए थे, वो मिल के चले गए हैं। अच्छा वो ना एक अम्मा जी है हमारी, उन्होंने आपके लिए थोड़ी सी हेल्प भेजी है, उन्होंने बोला है कि मुखलिस भाई को जाके ना दे देना, तो ये थोड़ी सी अमानत मैं लेकर आया हूँ, ये आप पकड़ लें मुझसे, तो ये लें मुझे पैसे की नहीं ज़रूरत, ये मेरी अम्मा जी ने भेजा है। कैसा करें मेरे बच्चे को ढूंढें, बच्चा आपका बच्चा भी मिल जाएगा, पहले ये हेल्प जो है ना मेरी, मेरे सर से तो बोझ है ना, मुझे तो अमानत दी है, अगर मैं ये नहीं दूंगा तो ये मेरी कब्र में अपनी कालीन तो नहीं करना चाहता। उन्होंने भेजा है कि जाके उनको दे देना, वो अपना इलाज जैसे टांग का करवा रहे हैं वो भी करवाएं, और बाकी बच्चे की टेंशन ना लो, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो मेरी अपील है अम्मा को, ढेर सारे दुआएं की जरूरत है, पैसे दी अम्मा जरूरत करनी, दुआ कर सारा पुत्र वापस आवे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस ये अमानत है, ये अमानत पकड़ लें तो बाकी वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये लें, ये मेरे सर पे अमानत है, अगर मैं अपने पास रखता हूँ तो मेरी कब्र काली होगी, ये आप रख लें। ये 5,000 भेजा है, अम्मा जी हैं दुबई से, उनके लिए आपने भी दुआ करनी है, वो भी आपके बच्चे के लिए दुआ करेंगी, तो उन्होंने बोला है कि ये ना उनको जब उसको अजर दे, जरूरत नहीं है, बस वो दुआ करें, उनसे भी अपील कर रहे हैं, दुआ करें। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, मिल जाएगा वो भी। और ये हाँ ये दवाई के लिए है, आप अपनी टांग की दवाई करना, और आपकी तबीयत खराब हो गई है तो फिर ये मजीद अपनी तबीयत आप लोग खराब कर रहे हो, साथ में दुख भी है, थोड़ा ये हेल्प हो जाएगी, हाँ नहीं है कि पैसे आने से जो है ना वो जो इतनी परेशान। अलिशबा आप चुप हो जाओ, तो हम जो है ना पैसे से दूर नहीं होनी ना, हाँ तो अल्लाह पाक खैर करेगा, बच्चा मिल जाए पास हमारे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा, सब दुआ कर रहे हैं, मजीद दुआ करेंगे भी, इंशाल्लाह मिल जाएगा, आप परेशान नहीं हो। बाकी ये तो थी अमानत जो मेरे पास आई, मैंने आप तक पहुंचा दी है, तो अम्मा जी आपकी अमानत आज आपने भेजे थे मुझे जैज़ कैश में, तो मैंने वो दे दिए हैं मुखलिस भाई को, सिस्टर के पास पहुंच चुकी है आपकी अमानत। तो बाकी जैसा कि अब माँ बाप है, आकर इनको तकलीफ़ होती है कि हम पैसे के लिए, फिर क्योंकि बातें आ जाती हैं ना कि लोग कहते हैं कि हाँ जी ये मांगने के लिए ऐसे रो रहे थे, तो मैं इनकी दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने मकसद यही बोलने का है कि हमें पैसे के ना हिसाब दो, हमारे बच्चे का कुछ करो, हमारा बच्चा मिल जाए हमें, तो इस वजह से बाकी ये कह रहे थे। बाकी आपका शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपके रिज्क में माल में बरकतें अता फरमाए, और जिस नियत से आपने दिया अल्लाह पाक आपकी वो नियत कबूल करे और इनका लेना कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी अमानत मैंने इन तक पहुँचा दी है। और अज़ान जो है ना, मेरे ख्याल मगरब की अज़ान हो रही है ना, हाँ तो मगरब की अज़ानें भी हो रही हैं, अज़ान सुन लें और फिर अहमद भाई के घर जाना है, उधर से टक्कर लगा के फिर हम वापस जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, आगे जाके खाना वगैरह भी करना है, मामी घर है, अब्बू है, बच्चे हैं, तो फिर उनका भी देखेंगे, तो अभी जो है ना अजान सुन लें, उसके बाद फिर उधर चलेंगे। हाँ जी अमीना मिल लिया, हाँ आप खुश हो, चलो शुक्र है, आप खुश तो है, इधर ताला है, ताला लगा हुआ है, हाँ ताला लगा हुआ है, चलो फिर उधर चलते हैं, ये देख लो अंधेरा हो गया है, अंधेरा हो गया है, बस ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा वो अहमद से भी पूछ लेना कि उन्होंने क्या किया है, हाँ चलो फिर उधर से थोड़ा सा उसे हाल हाल करके फिर चले, मगरिब हो गई है, अंधेरा हो गया, चलो अमीना, हाँ चलो अमीना चलो, इस वहां को नो वही आवे सन, हाँ वो आ जाएंगे, हाँ आ जाएंगे आप, चलो दुआ करो उनकी कार ठीक चले ना, कार बनवाते हो थी, हाँ ठीक है चलो आप, चलो जी अभी जो ना अहमद भाई के घर चलते हैं,
उधर से होके फिर चलेंगे, क्योंकि रात होने वाली है, मगरिब हो चुकी है, तो फिर लेट हो जाएगा, खाना भी जाके पकाना है, अब वो बैठा है, बच्चे हैं, मामी है, तो फिर अभी इधर से थोड़ी सी देर होके फिर चलते हैं गए अहमद के घर। चलो 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 शाबाश चलो, वो देखो चलो। नाना अबू खाना खा रहे हैं, मामू जान बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खाना खाया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सुनाओ आप, आंखें अब ठीक हो गई? आँख में फर्क हो गया। अच्छा, देखूँ ये बलून थी, हाँ, जो ये आँख मेरी, ये भी आँख में कोई छोटी थी, ये छोटी हो गई, देखू ये बलून थी ये पर मेरे को बैठा बतलाइए सब वहाँ से देखा दरवाजे दो नजर आते हैं, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। चलो आप खाना खाएं, हाँ आप खाना खा लें, चलो आगे चलें, मामा खाना बड़ो बिस्मिल्लाह खाएं खाएं, चलो जी आगे चलो। इधर गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है और शेड लगा हुआ है, सेफ है, बारिश से बची हुई है। चलो जी, वो देखो इनका भी खाने का टाइम है, अमीना पहुंच गई मिलने पहले। अस्सलामुअलैकुम, पी लो पी लो पी लो, पानी पी लो, खाना खा लो। ओ पानी गिरा दिया हसन ने, नहीं खाना नहीं खाना, खाना खा लिया है, खाना हमने खा लिया है। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग खाओ, हमारी खैर है, हम नहीं खाते, जब अहमद खा रहा है तो हम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? मैं खा रहा हूँ तो आप खा रहे हो? हाँ समझो, मैं खा रहा हूँ। अम्मा अम्मा बैठ बैठ बैठ, और सुनाओ ठीक हो? तबीयत ठीक है, शुक्र है। बस इधर आए थे मुखलिस के घर, अच्छा, हाल हवाल लेने, और थोड़ा सा उनकी अमानत थी वो देनी थी। चुप 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 चुप, अमीना छोड़ दो उसको, तो उनकी थोड़ी सी अमानत आई थी वो भी देनी थी, मैंने कहा चलो हाल वाल भी ले लेंगे। आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ। तबीयत खराब थी, आप कैसी है? मेरी तबीयत उस दिन जब आए उस दिन तो बिल्कुल जो है ना आप चल भी नहीं सकते थे, काफी जो है ना वो छाती बिल्कुल बंद थी। अब है लेकिन बेहतर है अब। अच्छा, 50-100 में से 50% ठीक है अब। छाती वैसे अभी है बंद, खांसी वगैरह आती है ना तो बेहोश कर देती है। सही सही, दवाई तो काफ़ी ली है, हर डॉक्टर इधर जितने डॉक्टर ने सबसे, मैंने कहा सारे अपने अपने इंजेक्शन लगाओ, जितने सबसे एक एक तकरीबन नहीं करो 7-8 लगे हैं, डेली लगवाता हूँ, न्यू डॉक्टर से लगवाता हूँ डेली। करेगा बाकी, चले बैठे खाने का टाइम है, खाना भी खाना, खाए और खाना नहीं खाना खाया हुआ है, हमने जाना है, हमने जाके अपना पकाना है। वो आए थे हाल हवाल, मैंने कहा आपसे भी पूछ लूँ, सुनाओ कोई लगा पता उसका? फिलहाल तो यार कोई पता नहीं लगा। अच्छा, हाँ अभी ना असल में खुद हमारा दिमाग अपना नहीं काम कर रहा, अभी क्या करें क्या इस, आप खुद सोचो, मतलब आपने जो अपने अपने हैं सारे वो तो देख लिए ना, और इधर इधर जो नज़दीक नज़दीक हैं वो भी देख लिए हैं, अब थोड़े थोड़े दूर बैठे हुए हैं, जैसे शहर में भी बैठे हैं, उससे आगे भी बैठे हैं, इधर अब फिर उधर देखने जाएं, फिर अब बहावलपुर जाएं या अलीपुर जाएं, उधर असलम भाई भी हैं सारे, अब वो कैसे कर सकते हैं, मतलब उधर भी नहीं होगा ना फिर। वो खुद आपने देखा है कि नंबरदार के दुल्हन खुद जो है ना रो रही है, कहाँ चला गया। हाँ ये तो है, अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह करे। सब लोग कह रहे हैं कि होगा इधर आसपास आपके ना, दूर नहीं गया होगा, क्योंकि सबको पता है कि नंबरदार कैसा है, वो मासूम सा ना, उसको कोई समझ बाहर जाना या बंदा चला जाता है, अकेला कहीं गया नहीं है ना, जिनके घर जाता था उनके घर हम गए हैं,
रात भी गए थे, उससे पिछली रात भी गए थे, आज भी जाने का प्लान था, लेकिन भाभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। वो पहले हम अभी जा रहे थे, आज हमें यानी कि एक और घर में जाना था, लेकिन वो हम नहीं जा सके। अभी भाभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, कह रहे थे भाई के यार अब भाभी को अकेला छोड़ के फिर कैसे जाएँ। चलो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा, बाकी ठीक हो गया, चले पानी तो पी ले तो बस अभी मुखलिस के घर से पानी वगैरह पिया है। अच्छा तो, अमीना तो खाना खा रही है। ओ वाह जी वाह, अमीना खाना खा रही हो। मुगरी पकी है। मुगरी पकी हुई है, हाँ मुगरी खाओ आप। चलो ये खाना खा ले तो चलते हैं फिर, क्योंकि हमें लेट हो रही है, मगरब हो चुके, अंधेरा है, अभी हमें जाके खाना पकाना है। हमारे बैठे हैं ना आपकी अम्मी भी उधर है, दोपहर को खा लेते थे ना, फिर हमें तसल्ली हो। दूसरा वो अम्मी जान भी घर पे होती थी ना, हमें लेट हो जाती थी तो वो बना लेती थी खाना। तो आज जो है ना अबू जान की क्लास से तबीयत खराब है, थोड़ी रात भी अचानक से उसकी सांसें बिल्कुल बंद हो गई। ऐसे जो है ना खाना मैंने दिया और साथ में चाय मैंने दी, मेरे साथ बातें कर रहा था, फिर जो है ना वॉशरूम गया, वॉशरूम से जैसे ही बाहर आया तो ऐसे कांपने लग गया और मेरे को बुलाया। मैं आई तो कह रहा मुझे ना घुटाई करो मेरी, मुझे बुखार आ, लेकिन बुखार नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस उसका सांसें जो है ना वो रुक गई थी। फिर हमने दवाई वगैरह, अम्मी ना खाओ खाओ, तो फिर जो है ना उसको दवाई वगैरह खिलाई, फिर वो सांस के मसले का एक था, वो क्या बोलते हैं हुक्का, हाँ, वो जो ऐसे असलम भाई जैसे वो इनहेलर, इनहेलर उसको खींचते हैं। फिर वो पूछा तो बोला मैं 2-3 दिन से वो नहीं खा रहा, मतलब फिर वो ही हमने उसको वो दवाई दी, तो फिर जो है ना ऐसा ऐसा फिर उसको सुकून आ गया। तो आज उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया, दिमाग का मरीज है ना, तो इसी वजह से इसकी नालियां बंद होने लगी होंगी, इसी वजह से। हाँ फिर अभी वही टेंशन है, मैंने इसको बोला अभी चलते हैं ना, अभी जान दोपहर को खाना नहीं खाया था, अभी जाकर उसके लिए खाना बनाएंगे, शायद अभी कुछ खा लो, तो इसलिए जो है ना, नहीं तो अम्मी घर पर होती थी ना, फिर तो हम चाहे जितने इधर से तो जाओगे ऐसे होटल से ले लेना बस, ऐसा ही है। चलो अमीना खाना खा ले फिर चलते हैं। चलो जी मिल लिया है अहमद भाई से भी, मामू से, और इनसे हाल वाल भी जितना हुआ, क्योंकि हमें जल्दी है, जल्दी जाना है घर, जैसे सारी सिचुएशन आप लोगों को पता है, तो उधर घर जाकर फिर मिलते हैं आप लोगों से। माशाल्लाह जी घर पहुंच गए हैं, ये देखें बाइक से उतर रहे हैं सब, अमीना अंदर भी चली गई, और ये जूता है ये काफ़ी पहले गए थे तो गुम हो गया था, अभी मिल गया था। चलो चलो बच्चों अंदर चलो, शाबाश, चलो चलो चलो, सलाम करो, वालेकुम, बंद कर दो, पहुंच गए। अबू जान सुनाए, खाना वाना खाना है? नहीं खाना, क्या वजह, पहले खा लिया था क्या? दोपहर को तो नहीं खाया था ना? खाया था दोपहर को, बाद में शायद हम चले गए थे, बाद में खाया होगा। अच्छा जवेरिया ने दिया था। हाँ जी। अच्छा अभी नहीं खाना? नहीं खाना, तबीयत खराब थी। अल्लाह खैर करे, चाय पियेंगे चाय। हाँ जी। कॉल भी आ रही है, देखने किसकी कॉल है। चलो। हम आ गए हैं वापस, और एक और बात शेयर करनी थी कि जो मतलब बोलेंगे मुझे कि आप ना ये ड्रामे में मिक्स हो गए, ये ड्रामा चल रहा है तो आप भी ड्रामे में शुरू हो गए हो, तो हाथ जोड़ के विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है सब बहनों से, भाइयों से, के जो चल रहा है अगर ड्रामा लग रहा है तो ठीक है, आप ड्रामा ही समझ लें, लेकिन मेरी बहन है तो आगे से बहनों ही है, मैंने उनके घर जाना है, जब उसकी हालत देख ली होगी आप लोगों ने, अगर ड्रामा होता तो इतना कोई नहीं करता, इतना ड्रामा होता भी नहीं है। तो बात वो आ गई है कि शेर आया वो वाली मिसाल बनी हुई है कि पहले बंदा ऐसे करता है कि शेर आया होता कुछ नहीं था, अब वो शेर आ गया है लेकिन कोई यकीन ही नहीं कर रहा, बात वही हुई है। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में बरकतें अता फरमाए और सबको हर परेशानी से दूर फरमाए, दुआ है। और अमानत थी, जो अमानत मैंने पहुंचानी थी वो भी पहुँचाए, और मेन था अमीना का झगड़ा, चलो अमीना खुश हो गई, मुझे ये खुशी है
अमीना की खातर। चलो ये समझ लो, अगर उस चीज़ को आप नहीं समझ रहे, अगर उसको ऐसे समझते हो कि गलत है, ड्रामा है, तो ऐसे समझ लें कि ये अमीना की खातर मैं गया था। फिर ऐसा समझ लें कि अमीना को खुश कर दिया, मेरे लिए यही बहुत है। वो बहन भी खुश हो गई, ये बहन भी खुश हो गई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दो हमें याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।